चुनाव एक निष्पक्ष और सरल तरीका है लोगों द्वारा अपने प्रत्याशी को चुनने का, लेकिन जीते हुए प्रत्याशी को दो दिन बाद अगर यह पता चले कि जीत का सर्टिफिकेट दूसरे प्रत्याशी को मिल गया तो क्या बीतेगी उस पर चुनाव प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में आ जाती। तब अगर रिटर्निंग ऑफिसर ही जीत का सर्टिफिकेट बांटने लग जाए तो चुनाव की जरूरत ही क्या। कुछ ऐसा ही मामला आया। कुमार, हमारी पत्नी जगदी वर्मा वार्ड नंबर 27 चुनाव जीती थी। ये प्रमाण पत्र भी हमें 4 तारीख में एडीएम साहब देवेंद्र प्रताप मिश्रा ने दिया था, और जिसके बाद हम साहब 7 तारीख को उसको भी प्रमाण पत्र दे दिया गया। हमारे साथ विकलांग साहब बड़ा अन्याय हुआ। ये पूरा मामला जनपद पीलीभीत का बताया जा रहा। पंचायती चुनाव मतगणना में रिटर्निंग ऑफिसर के बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। घटना पीलीभीत के बड़खेड़ा जिला पंचायती वार्ड संख्या 27 का है, जहां पर जगदेई 522 वोटों से जिला पंचायती चुनाव जीती हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 5 मई को जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया था, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद यानी 7 मई को हारी हुई प्रत्याशी मिथिलेश को गलत तरीके से जीत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जिससे रिटर्निंग ऑफिसर देवेंद्र कुमार मिश्रा सवालों को घेरे में है। अब देखना ये होगा कि इस रिटर्निंग ऑफिसर पर कब कार्रवाई होती है। आचार संहिता खत्म होने के बाद हारी हुई प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया, वो भी दो दिन बीत जाने के बाद। जिला प्रशासन 5 मई को ही 34 जीते हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर निर्वाचन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था, जिसका प्रेस नोट जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग को जारी किया। पूरा मामला सर, हमारी पत्नी जगदेई वार्ड नंबर 27 जिला पीलीभीत से चुनाव लड़ी थी। किसका चुनाव लड़ी? जिला पंचायत सदस्य का। तो 522 वोटों से प्रत्याशी घोषित हुए आप लोग? हाँ, एडीएम साहब देवेंद्र प्रताप मिश्रा ने प्रमाण पत्र 4 तारीख में दे दिया था। हमारे पास 5 तारीख को 6 तारीख 5 तारीख उसने एक आपत्ति लगाई, मेरे वोट गड़बड़ थे जी है वो। हमारे पास 6 तारीख एक नोटिस गया था, तो बरखेड़ा थाने से एक पुलिस वाले गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। हम वहाँ गए थे तो उन्होंने एडीएम साहब ने तुरंत इतनी फोर्स लगा रखी थी, और साहब पता नहीं रुपए ले लिए जाने क्या किया, हम लोगों को वहाँ बंदी बना दिया। और इतने साहब बोले तुम इतने वोटों से हार गई और उनके इतने वोट मिले, जे है वो है साहब। आचार संहिता उल्लंघन करते हुए इन्होंने साहब डंडा चलवा दिया हमारे पर, देवेंद्र प्रताप मिश्रा ने पकड़ करवाई सर। हम वहाँ से भागे, हमारे प्रमाण पर छेड़े थे, बोले दस्त कर। हमने साहब दस्त नहीं करें, क्या मार डाले साहब आप कुछ भी करें। फिर क्या हुआ सर? उनके लिए सर इन्होंने प्रमाण पत्र 116 वोटों घोषित अपने आप कर दिया, और उन्हें प्रमाण पत्र कितनी तारीख में घोषित किया? 7 तारीख प्रमाण पत्र उसे दे दिया, और उसे प्रत्याशी घोषित करके घोषित कर दिया उसे। हमारे संवाददाता सुशील चंद वर्मा के साथ जुड़े हुए हैं रिटर्निंग ऑफिसर देवेंद्र कुमार मिश्रा। आइए उनकी भी सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं सुशील वर्मा पत्रकार बोल रहा हूँ। सर, एक जगदेई जिला पंचायत प्रत्याशी थी, और उनका कहना है कि हम चुनाव जीते हैं और हमें प्रमाण पत्र भी दिया गया, उसके बाद जो दूसरे प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया गया। क्या है पूरा मामला सर? मामला ये है कि ये वार्ड नंबर 27 से प्रत्याशी और जो परिणाम घोषणा की कार्यवाही चल रही थी जी, तो गणना होकर ब्लॉकों से रिकॉर्ड आए थे जी, उनके आधार पे घोषणा यहाँ निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से की जानी थी जी। उसमें चूंकि बहुत विलम्ब हो रहा था, बहुत आपाधापी रही, काफी टाइम लग रहा था शोर शराबा, तो काफी प्रयास किया गया कोई त्रुटि ना हो, लेकिन इनके प्रकरण में गड़बड़ी क्या हुई कि इनका मैक्सिमम जो वो था वो अमरिया से था, वार्ड जो है केवल 8 बूथ उसमें बीसलपुर के भी थे जी। वार्ड इनका 2 ब्लॉकों में था जी, तो दोनों ब्लॉकों को जोड़ के परिणाम घोषित होना था जी, लेकिन परिणाम घोषित करने में टोटल करने में कर्मचारियों ने केवल अमरिया का ही जोड़ के और उसके आधार पे रिजल्ट बना के रख दिया। 8 बूथ जो बीसलपुर के थे वो जोड़ने से छूट जी, उसके आधार पे इनके खूब संज्ञान में था, लेकिन उस चीज को इन्होंने भी छिपा लिया। और दूसरा दिक्कत क्या थी कि दूसरा प्रत्याशी जो था वो मौके पे था, नहीं तो होता तो ये कमी पकड़ जाती घोषणा करने पे। नहीं तो जैसे काउंटिंग के द्वारा, लेकिन
काउंटिंग के दौरान? हाँ, काउंटिंग नहीं, काउंटिंग तो ब्लॉक पे होती है, रिजल्ट के समय। जी जी, रिजल्ट बनाते समय तो उसमें क्लैरिकल त्रुटि है। रिजल्ट बनाते समय दोनों ब्लॉकों का जोड़ने के बजाय केवल एक ब्लॉक के आधार पे उन्होंने रिजल्ट बना दिया। तो जब रिजल्ट घोषित होता था तो जिसे आपत्ति होती थी अगर बोलता था तो हम उसको फिर चेक कर देते थे। तो दो तीन प्रकरण ऐसे आए, हमने तुरंत चेक कराए लेकिन कहीं कोई त्रुटि नहीं निकली। जी, लेकिन इनके प्रकरण में चूंकि अपोजिट पार्टी थी नहीं और इन्हें अच्छी तरह पता था कि एक ही ब्लॉक का है, लेकिन इन्होंने अपने फायदे के चक्कर में मौन सा दे रखा।